नहीं कहेंगे कि नो 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 आई विल कीप क्वाइट, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर मैं गलती करूंगा, अगर कोई हंसेगा तो मैं क्या करूं. तो आप बिना सोचे आप फाइव फॉर्म्स में आसानी से उत्तर देंगे. आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, आई विल गो, आई विल बी गोइंग, आई वेंट. जब आप ऐसे करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. और अभी मजा देखिए, मैं आपको और एक रूल बताता हूं. आपने अभी मेरे साथ थोड़ा इंग्लिश सीखा, थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा हुआ, और अभी और सीखने का आपको चाह हुआ, और उसके बाद और ज्यादा वीडियोस देखेंगे और सीखेंगे, तब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा. जब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा तो डर चला जाएगा, तो आप अच्छी तरह से बात करेंगे चार लोगों के बीच में इंग्लिश में जितना आप जानते हैं, और ये एक पॉजिटिव साइकिल हो जाएगा. मगर इसमें एक नेगेटिव साइकिल भी है. अगर कोई आपके सामने इंग्लिश में बात करे और अगर आपको डर हुआ, वो डर से अगर आपने हेसिटेट किया और आपके हेसिटेशन के वजह से आपके मुंह बंद हो गया, और जब आपका मुंह बंद हो जाएगा तब आपको बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस होगा, और इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से आपको बहुत तकलीफ पहुंचेगा, और डिसाइड करेंगे आप कि मैं आज से बात नहीं करूंगा. तो इस कॉन्फिडेंस कम हो जाने के वजह से जब आप इंग्लिश से दूर चले जाएंगे तो आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा. जब आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो आप नहीं सीखेंगे. सो ये नेगेटिव साइकिल है. तो आज से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आज से आप एटमॉस्फेयर बिल्ड कीजिए. एक घंटा तो कोई मूवी देखिए, उसका सबटाइटल्स जो है उसे देख देख के, पढ़ पढ़ के आप जानिए कि वो क्या हो रहा है. और एक 5 मिनट हर रोज इंग्लिश न्यूज देखिए, और 5 मिनट रीडिंग कीजिए न्यूज़पेपर से, 5 मिनट राइटिंग कीजिए, रैंडम वर्ड्स का पता आपको चल जाएगा, और जब आप बात करेंगे तो बहुत बेहतर बात करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इंग्लिश में कुछ चीज को कैसे कहते हैं वो आप समझेंगे. और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. आज तक आपने बहुत बढ़िया काम किया है, और आज तक आप एक बहुत ही खराब आपने काम भी किया है. पहला मैं आपको बढ़िया काम बताता हूं, पॉजिटिव जो है वो बताता हूं. आज तक आपका पॉजिटिव काम यह है कि जहां भी आपको मौका मिला, आपने इंग्लिश के बारे में सुना, देखा, और आपने अपने योर ओन एबिलिटीज को इंप्रूव किया. मगर आपका बिग मिस्टेक जो है, जहां भी आपको बोलने का मौका मिला तो आप तुरंत पीछे हट गए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ हेसिटेशन. इसीलिए आपका जो ग्रोथ है वो ज्यादा नहीं हो पाया. देखिए, आप हिंदी जानते हैं, थोड़ा पंजाबी भी जानते हैं, मराठी जानते हैं, मारवाड़ी जानते हैं, बंगाली जानते हैं, तमिल जानते हैं. कैसे? जब आपके अगल बगल का लोग जो उस भाषा में बोले तो उस प्रैक्टिस के वजह से तो आप परफेक्ट हो जाएंगे. आपको मेथड भी समझ आ जाएगा कि इसको ऐसा बोलना है, करेक्ट. और एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट इन लर्निंग लैंग्वेजेस. देखिए, हम जो हिंदुस्तानी है ना, हम राइट फ्रॉम आर बर्थ वी नो मिनिमम 2 to 3 लैंग्वेजेस. वी आर एक्सपर्ट्स इन इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेजेस. नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए. प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.